नियमों का उल्लंघन, पेटीएम पर आरबीआई का एक्शन। गली मोहल्ले में फेमस पेटीएम के डूबने की आखिर क्या है वजह? क्या सच में 1 मार्च से बंद हो जाएगा पेटीएम? अगर आप है पेटीएम यूजर या फिर इसे यूज करने की है तैयारी में, तो इस खबर को अंत तक जरूर देखें। मिडिल क्लास फैमिली से आया एक स्कूल टीचर का बेटा विजय शेखर शर्मा आज देश की सबसे बड़ी ई वॉलेट पेटीएम का फाउंडर है। कभी भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कहानी का मुख्य हीरो या कहे स्टार्टअप की दुनिया का चमकता सितारा, आज शेयर मार्केट से लेकर गली मोहल्ले में छोटे मोटे काम करने वाले दुकानदारों तक और रेहड़ी पटरी वालों को मंझधार मिलाकर खड़ा करने वाला इंसान बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाना पड़ा? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेमस पेटीएम वॉलेट और इसके बैंकिंग ब्रांच पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के शक को लेकर एक्शन लिया है। विजय शेखर शर्मा की बैंकिंग कंपनी मुश्किलों में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस एक्शन को लेकर एक बार फिर कई सवाल उठ रहे हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल पर आरोप है कि इसमें एक ही पैन पर कई खाते खोले गए हैं। हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक सिंगल पैन कार्ड पर कई अकाउंट खोले जा रहे हैं। आरबीआई को जैसे ही शक हुआ कि इस प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग भी एक वजह हो सकती है, आरबीआई ने एक्शन उठाने का फैसला किया। हजारों खाते ऐसे थे जिनका केवाईसी नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इसकी बैंकिंग शाखा पर बैन लगाए जाने के बाद से कंपनी के शेयरों में जोरदार गिरावट आई है और महज 3 दिन में ये 43% से ज्यादा गिर चुकी है। इस संकट के बावजूद पेटीएम की ओर से न केवल अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया गया है, बल्कि कंपनी के कर्मचारियों से भी चिंता न करने की बात कही गई है। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों को इस संकट भरे समय के बीच भी बड़ा आश्वासन दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम सीईओ ने कहा है कि वास्तव में क्या गलत हुआ है उन चीजों को लेकर वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन जल्द ही सब सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन देते हुए सभी कर्मचारियों को कहा कि आप सभी हमारे पेटीएम परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।